हे एवरीबडी दिस इज बेजे और आप देख रहे हैं सी ए बी अब डेड म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा नहीं मिलेगा क्या आपने भी डेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है कमेंट करके बताइए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करके डेट म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले टैक्स पर मिलने वाले कंसेशनल टैक्स ट्रीटमेंट को 1 अप्रैल 2023 से खत्म कर दिया है दिस इज ए बिग ब्लो टू द डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स फर्स्ट अप्रैल 2023 से खरीदे गए डेट फंड्स इंटरनेशनल फंड्स एंड गोल्ड फंड्स के कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा ये डेट फंड के निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका है प्रेजेंटली डेट फंड्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 परसेंट टैक्स बेनिफिट का आनंद लेते हैं फर्स्ट अप्रैल 2023 को या उसके बाद परचेज किए गए स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स जहां डोमेस्टिक कंपनियों के इक्विटी शेयर्स में 35 परसेंट से अधिक का निवेश नहीं किया गया है रिडेम्पशन पर पर होने वाले कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा यानी डेट फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स एंड गोल्ड फंड से उसके रिडेम्पशन पर होने वाले कैपिटल गेन पर उनकी होल्डिंग अवधि यानी कि उनके होल्डिंग पीरियड थ्री ईयर्स होने के बावजूद भी एक व्यक्ति से उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हुए उस व्यक्ति की इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा ना कि उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हुए आफ्टर गिविंग इंडेक्सेशन बेनिफिट टैक्सेशन दिस इज ए बिग ब्लो टू द डेट म्यूचुअल फंड होल्डर्स सिंस दे गेट प्रेजेंटली स्पेशल ट्रीटमेंट अंडर इनकम टैक्स बाई वे ऑफ लोअर टैक्स एज फार एज इट्स टैक्सेशन इज कंसर्न रिजेंटली इन फंडिटल गेन जहा उनकी होल्डिंग पीरियड थ्री ईयर से ज्यादा है पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ ट्वेंटी परसेंट की रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हुए टैक्स लगाया जाता है इस बेनिफिट को हटाने के बाद ये उस पर टैक्स आर्बिट्रेज को समाप्त कर देगा जो डेट फंड को फिक्स डिपोजिट के कंपेरिजन में मिलती थी फिक्स डिपॉजिट से होने वाली इंटरेस्ट इनकम पर एक व्यक्ति की इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म होने से टैक्सेशन के मामले में डेट म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट के बराबर आ जाएंगे और टैक्स आर्बिट्रेज नहीं मिलेगी हालांकि डेट फंड्स में प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो कि 31 मार्च 2023 तक किए गए हैं वो इस अमेंडमेंट से अफेक्टेड नहीं होंगे और उनको उनकी रिडेम्पशन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा मिलता रहेगा ये चेंज फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट का हिस्सा है जिसे गवर्नमेंट ने लागू भी कर दिया है प्रेजेंटली इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास डेट में तकरीबन 13 लाख करोड का एयूएम दैट इज अंडर मैनेजमेंट है जिसमें से करीब 10 लाख करोड शॉर्ट टर्म या लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है लाइक कॉल मनी फंड्स, लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स एंड मनी मार्केट फंड्स, और रिमेनिंग थ्री लाख करोड टारगेट मेचोरिटी फंड्स एफ एंड डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं इन फंड में रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट बहुत नेग्लिजिबल है ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट फैमिली हाउसेस एंड एच एन आई डेट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का है थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपके मन में अभी भी इस इश्यू पर कोई क्वेश्चन या सवाल है या आ रहा है तो कमेंट करके बताइए हम उसको रिजोल्व करेंगे